हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर सेकेंड सेशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट सेशन वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ मैटर, देन वी डिस्कस्ड द शॉर्ट नोट्स ऑफ मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स, एंड वी डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लाइक ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद सम मोर टॉपिक्स इन दिस सेशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर टूडेज फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्सड है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, उसमें कितना अमाउंट ऑफ आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, एक स्पून ऑफ शुगर या दो स्पून ऑफ शुगर या थ्री स्पून ऑफ शुगर। ओके, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड हाई रहेगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोर इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर, एंड इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन द सॉल्यूशन देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस। सो हाउ विल यू डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solvent or solution. Okay, so the formula will be concentration of solution equal to amount of solute upon amount of solvent, or you can even calculate as amount of solute upon amount of solution. ऊपर solute का mass, नीचे solution का mass. Okay, इन दोनों को divide करो तो आपको concentration of solution मिल जाएगा. Okay, once again let me explain how to calculate the concentration of a solution by dividing the amount of solute upon amount of solvent, या फिर amount of solute upon amount of solution. By dividing both these quantities you will get the concentration of solution. Nowadays the concentration of a solution can be expressed as mass by mass percentage or mass by volume percentage. कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मास बाय मास परसेंटेज में भी निकालते हैं, कभी कभी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो अपना वही वाला फॉर्मूला हो गया कॉन्सेंट्रेशन का, ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास, और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट मास बाय वॉल्यूम, if you want in mass by volume percentage, so you should take the mass of solute, but नीचे क्या आएगा? volume of solution. mass by volume में ऊपर mass, नीचे volume. solute का mass, solution का volume into 100. then you will get mass by volume percentage. okay, even third form is also given. third formula भी दिया हुआ है, if you see on your NCERT textbook page number 16 and 17. 16 के सबसे last में and 17 के top में three formulas दिए हुए हैं। पहला फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन 17 के टॉप में दिया है सेकंड फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो हमारे इधर पिक में भी दिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बट देर इज़ वन मोर फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विच इज़ नॉट शोन इन दिस पिक, टेक्स्ट बुक में दिया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, into 100, then you will get volume by volume percentage of solution. All these methods are used to calculate the concentration of solution. It can be expressed by mass by mass percentage, mass by volume percentage, or volume by volume percentage. ये depend करता है कि question में किस तरह से हमको दिया हुआ है, उस हिसाब से हम तीनों में से कोई भी formula apply कर सकते हैं। For this you can even see example 2.1 in your textbook on page number 17. Let me discuss that example. Okay students, let us read the question of this example. Example 2.1 of your NCERT textbook, page number 17. A solution which contains 40 grams of common salt in 320 gram of water. Okay, तो common salt अपना क्या है? Solute है, और water क्या है? Solvent है. याद रखना, common salt क्या है? Solute, और water क्या है? Solvent है. So the mass of solute means salt, that is equal to how much? 40 grams. देखो मैं answer में discuss कर रहा हूँ, mass of solute यानी salt कितना है? 40 grams, and mass of solvent यानी water कितना है? 320 grams. तो total mass क्या होगा? solute और solvent को mix करो तो क्या बनता है? solution. तो solution का mass कैसे निकालेंगे? 40 plus 320,
solute ka mass plus solvent ka mass. So you got how much? 360 grams. So the total mass of the solution is 360 grams. Now what is the question? Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. So mass by mass percentage ka formula kya hai? Mass of solute upon mass of solution. Jo pehla formula humne kiya teen mein se. Mass of solute upon mass of solution into 100. तो सल्यूट का मास यानी क्या, सल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट का, अपॉन सल्यूशन का मास, टोटल सल्यूशन का मास कितना है 360, खाली सॉल्वेंट यानी वाटर का नहीं मांगा है, सल्यूशन का मांगा है, मतलब जिसमें कॉमन सॉल्ट भी आ गया और वाटर भी आ गया, दोनों ऐड करके 360. सो द मास ऑफ सल्यूशन इज 360 ग्राम इंटू 100. तो 40 अपॉन 360 इंटू 100, बाई डूइंग द कटिंग्स यू विल गेट 11.1%. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया. इट्स वेरी ईजी. मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन, सल्यूट इज कॉमन सॉल्ट तो 40 ग्राम और पूरे सोल्यूशन का निकला 360 ग्राम्स. सो इट इज़ 40 अपॉन 360 इंटू 100. द आंसर इज 11.1 ग्राम्स. वेरी इजी स्टूडेंट्स. ओके, नाउ आवर अनदर टॉपिक इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अभी तक हम ये जानते थे कि मिक्सचर का मतलब क्या, इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करें. ओके, वी हैव लर्न्ड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. अलग अलग मेथड्स लगाते हैं. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इंटू द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाई वेरियस मेथड्स. हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम बहुत सारे सिंपल मेथड्स यूज़ करते थे, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा. व्हाट डू मीन बाय हैंड पिकिंग स्टूडेंट्स? हम लोग ने नहीं देखा है हमारे घरों में चावल में से हम लोग कंकर चुनते हैं, गेहूं में से कुछ पत्थर या कुछ चुनते हैं, हाथ से उठाते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पिकन. उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, गेहूं में से हम लोग स्टोन्स को सेपरेट कर रहे हैं. ओके, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. देन सीविंग, सीविंग मतलब छानना, छन्नी से छानते हैं. देन फिल्ट्रेशन, दिस आर ऑल द सिंपल मेथड्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स. बट देर आर सम स्पेशल टेक्निक्स जो सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते हैं. तो फॉर दैट समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड टू द सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. एंड व्हाट आर द स्पेशल टेक्निक्स? ये सारे टेक्निक्स है. फर्स्ट इज इवापोरेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, देन डिकैंटेशन, देन सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन अगेन, then chromatography and then distillation and fractional distillation. Okay, इस तरह से हम लोग सारे methods एक एक करके detail में करेंगे. Okay, these are all the methods used for separating the components of a mixture. Okay students, इसमें centrifugation दो बार आ गया है, हम एक ही बार नाम लिखेंगे. Okay, so let us now start with the first method, that is evaporation. Students, we all know what you mean by evaporation. ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि सी वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. यस और नो? तो वो हमने सी वाटर के बारे में पढ़ा था इवापोरेशन. यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. दैट दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर. मतलब यहाँ पर अगर एक ऐसा मिक्सचर दिया है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर. इंक हम जानते हैं ना, इंक के अंदर क्या होता है, कलर होता है. डाई मीन्स कलर एंड वाटर, कलर को वाटर में डाला जाता है. इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन अ डिश, अगर आपने उस इंक को एक डिश में ले लिया और नीचे से हीट करो तो क्या होगा, व्हेन यू हीट द इंक है ना इनसाइड द डिश विल गेट हीटेड, अंदर का इंक भी हीट होगा एंड द वाटर इन द इंक विल इवापोरेट. द वाटर विल इवापोरेट, और एक बार पानी इवापोरेट हो गया तो अंदर खाली क्या बच जाएगा, द कलर, द डाई इज लेफ्ट इन द डिश. सो दिस इवापोरेशन टेक्निक इज़ यूज्ड टू रिमूव द वाटर फ्रॉम एनी सोल्यूशन. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट वापस से चाहिए, तो आप उसको फिल्ट्रेशन से तो नहीं लेके आ सकते सॉल्ट वापस से, तो क्या करने का, उसके अंदर इवापोरेशन, उस सॉल्ट वाटर को बाहर धूप में रख दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी पूरा इवापोरेट हो जाएगा और आपके थाली या जो कंटेनर है उसमें सॉल्ट पूरा बच जाएगा. सो दिस इज इवापोरेशन. ओके, इन दिस द वाटर इज अ वोलेटाइल कंपोनेंट, इट विल स्लोली स्लोली इवापोरेट. ओके, और नॉन वोलेटाइल मतलब ये जो डाई है या सॉल्ट है ये इवापोरेट नहीं होंगे, ये नीचे ही रह जाएंगे. ओके, सो इवापोरेशन टेक्निक इज़ यूज्ड इन सच मेथड्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय इवापोरेशन. एकदम सिंपल है ये. ओके, वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट
that is solvent from the non-volatile solute. Okay, this method is called evaporation. Okay, students. Now, our second method is centrifugation. Centrifugation method ka matlab kya hota hai? Students, sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. कभी कभी सॉलिड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सेपरेट देम थ्रू फिल्टर पेपर. ओके, फिल्टर पेपर में से भी पास होकर नीचे आ जाते हैं. ओके, फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन. सो वी कैन नॉट यूज दैट फिल्ट्रेशन टेक्निक. सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. ओके, इन दिस वी यूज व्हाट? वी यूज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. Now, first of all, let us discuss the principle of the centrifugation method. Centrifugation method ka principle. Students, aap dekh sakte hai, ye centrifugation machine hai. Ye blades jaise hote hai. Okay, and the principle is that the while separating the denser particles and the lighter particles from a mixture. Okay, the principle is that the denser particles are forced at the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. Means, jaise ye jo सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को हम रोटेट करते हैं, ये मोस्टली हमारे मिक्सर ग्राइंडर्स जो होते हैं ना, उसमें ऐसे ब्लेड्स होते हैं. कई बार नहीं होते, हम लोग हमारे दही में से छाछ बनाते हैं तो उसको मिक्सी में डाल देते हैं और दही को हम लोग घुमा देते हैं, ज़ोर से घूम जाता है, छाछ बन जाता है. बट जब छाछ बनता है तो उसके अंदर जो पूरा बटर होता है ना, जो क्रीम, वो पूरा ऊपर आ जाता है और जो पूरी दही का जो छाछ है वो नीचे रह जाता है. सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसमें क्रीम हम सेपरेट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और हेवियर पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं? नीचे रह जाते हैं. तो टू सेपरेट द डेंसर एंड लाइटर पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड. नाउ लेट मी वंस अगेन रीड द प्रिंसिपल. इट इज़ ऑन पेज नंबर 20, द टॉप लाइन ऑफ दिस पेज. पेज नंबर 20 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टॉप लाइन. स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ तो अभी कभी हाईलाइट कर लो टेक्स्ट बुक में. द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम. जो डेंसर मतलब हैवी पार्टिकल्स जो बॉटम में रह जाते हैं एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली. स्पन मींस स्पिन का पास्ट टेंस है. स्पन मतलब एकदम रैपिडली, इसको हम स्पिन करते हैं. जब रैपिडली घूमता है तो हैवी पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं. दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. ओके, नाउ वॉट आर द यूजेस? एग्जाम्पल्स क्या? पहले इफ़ यू टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली, द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंस देन मिल्क. आप दूध को एकदम रैपिडली अगर वो करोगे तो दूध में से मलाई निकाल सकते हैं आप आराम से. इसको मिक्सी में डाल दो, ग्राइंड करो जोर से, तो मलाई ऊपर रह जाएगा और मिल्क नीचे रह जाएगा. वाई? बिकॉज द क्रीम इज लाइटर देन मिल्क. तो मिल्क विल रिमेन एट द बॉटम एंड द क्रीम विल बी फ्लोटिंग एट द टॉप ऑफ द मिल्क. सो बाई दिस सेंट्रीफिकेशन मेथड वी कैन सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क. ओके स्टूडेंट्स, हियर if you look on page number 20, some applications are also given in centrifugation technique. Teen applications diye hain. Application matlab uses. Un teen uses ko bhi humko learn karna hai students. Wo yahan pe pic mein abhi isme video mein nahi dikh raha hai, but textbook mein page number 20 hai na, first side mein applications of centrifugation technique. What are the applications? The first is, it is used in diagnostic laboratories for blood and urine tests. This centrifugation technique is also used in blood tests and urine tests. जो हॉस्पिटल के जो लेबोरेटरीज होते हैं उसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट में ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है. सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. ये तो हम जानते ही हैं, मिल्क में से क्रीम सेपरेट करना या बटर में से क्रीम सेपरेट करना, ये सब जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. एंड देन इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज अ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट नाउडेज फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आर ऑब्टेंड, है ना. ये वॉशिंग मशीन्स कपड़े को धोते ही नहीं है, सुखा भी देते हैं. वंस द क्लोथ्स आर वॉश्ड देन द वॉशिंग मशीन कीप्स इट इन द ड्रायर एंड इट स्क्वीज ऑफ द, इतना ज़ोर से इसको घुमाता है कपड़े को कि पूरा का पूरा पानी उसमें से निकल जाता है, स्क्वीज हो जाता है. ओके, देयर ऑल्सो दिस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस थ्री एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स let us discuss the third technique, that is decantation technique using separating funnel. Separating funnel से हम लोग कैसे दो mixture को separate कर सकते हैं? First of all, this decantation method using separating funnel is used for what? For a mixture of two immiscible liquids.
What is the meaning of the word immiscible liquids? The liquids do not mix with each other. For example, oil and water. अगर आप ऑयल और वाटर को एक ग्लास में डालो ना, तो वो कितना भी तुम शेक करो, उनका अलग अलग लेयर बन जाएगा. हमेशा वाटर बॉटम में रहता है और ऑयल टॉप में आ जाता है. ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज़ लाइटर देन वाटर. ओके, तो दैट इज़ ये दोनों लिक्विड ही है, ऑयल एंड वाटर, है ना. ऑयल एंड वाटर बोथ आर लिक्विड, बट दे आर इमिसिबल लिक्विड, मीन्स दे कैन नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ओके, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. लेकिन अगर एक ग्लास में ऑयल और वाटर दोनों भरा हुआ है, तो उसको सेपरेट कैसे करें? ओके, तो फॉर दैट सेपरेशन ओनली वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड सेपरेटिंग फनल. ये जो डिवाइस आपको पिक में दिख रहा है, इट इज़ अ सेपरेटिंग फनल. हाउ दस दिस डिवाइस यूज? तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट. दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. द लिक्विड सेपरेट्स इन टू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज. आप जैसे सेकेंड वाला डायग्राम देख सकते हो, कलर्ड वाला डायग्राम. जैसे ही मैंने इस फनल के अंदर मैंने मिक्सचर ऐड किया, तो वाटर हैवी है, येलो कलर का पार्ट दिखा है, वो नीचे रह गया, और ऑयल उससे हल्का होता है, उसके लिए वो ऊपर रह गया. ओके, अभी इसको सेपरेट कैसे करेंगे? इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, इट फॉर्म्स सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर. एज सुन एज वी ओपन द स्टॉप कॉक, इसका जो जो बटन है ना, उसको स्टॉप कॉक बोलते हैं. जैसे ही वो नल जैसा चालू करेंगे, तो वाटर विल फॉल डाउन. धीरे धीरे देखो, पानी नीचे गिरेगा. एज सुन एज यू कैन सी दैट होल ऑफ द वाटर हैज़ फॉलन डाउन, सडनली स्टॉप द दिस, क्लोज द स्टॉप क्लॉक. इसको क्या करो, इसको क्लोज कर दो स्टॉप कॉक को, ठीक है ना. तो क्या होगा, पूरा पानी नीचे रह गया और केरोसिन क्या होगा, ऊपर रह जाएगा. ओके, इन दिस वे वी कैन सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल. ओके, ये जो स्टॉप कॉक है, जो नल जैसा है, वो तब तक चालू रखो जब तक पानी बह रहा है. जैसे आपको दिखेगा, ये लेयर पूरा दिखता है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है. सो यू कैन सी दैट ऑल ऑफ द वाटर हैज फॉलन डाउन, देन सडनली स्टॉप, क्लोज दिस स्टॉप कॉक. तो वाटर विल रिमेन इन द कंटेनर डाउन एंड केरोसिन विल रिमेन इन दैट सेपरेटिंग फनल. इन दिस वे वी कैन सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग सब्लिमेशन मेथड. ये वी ऑल हैव स्टडीड रिगार्डिंग सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में किया था और ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आया था. ओके, सब्लिमेशन मीन्स वॉट? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट a mixture of a sublimable component from a non-sublimable component by heating the mixture. मतलब अगर आपके मिक्सचर में एक कंपोनेंट है ना, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है. What do you mean by sublimating substance? The substance which on heating directly converts into gaseous state. For example, क्या बताया था मैंने, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, है ना, कैम्फर, ये सारे क्या है, इनको हीट करो तो सीधा वो गैस बन जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड नहीं बनते हैं. तो ऐसे वाले सब्सटेंस को अगर हमको सेपरेट करना हो किसी मिक्सचर में से, तो कैसे सेपरेट करेंगे? तो सी द डायग्राम हियर स्टूडेंट्स. दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 20, फिगर 2.7. इन सब के डायग्राम्स आपको करने के हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हीटिंग इन अ प्लेट, वी हैव टेकन अ चाइना डिश. चाइना डिश इज अ कंटेनर. ओके, एंड वी आर हीटिंग दैट कंटेनर. एंड वॉट इज प्रेजेंट इन दैट कंटेनर? वी हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. अमोनियम क्लोराइड भी वाइट पाउडर होता है, सॉल्ट भी वाइट पाउडर होता है. दोनों को मिक्स कर दो तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा सॉल्ट है, कौन सा अमोनियम क्लोराइड है. तो सेपरेट कैसे करें? ऐसे हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते. तो सबसे सिंपल मेथड क्या है कि उनके मिक्सचर को हीट करो. हीट करने से पहले हमने क्या किया, वी हैव प्लेस्ड एन इन्वर्टेड फनल. उल्टा देखो, एक फनल लगाया और उस फनल को भी ऊपर से क्लोज कर दिया है बाई कीपिंग अ कॉटन, रुई जैसा कुछ उसके ऊपर से बंद कर दो, ताकि अंदर से कुछ भी बाहर नहीं जाए. ओके, एज सुन एज वी हीट द मिक्सचर, वॉट विल हैपन? द अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेटिंग सब्सटेंस. वंस इट कैचेस द हीट, इट गट कन्वर्टेड इन टू वॉट, गैशियस फॉर्म. अमोनियम क्लोराइड सॉलिड वाला जो था, वो हीट होके क्या बन जाता है, गैशियस फॉर्म, वेपर्स बन जाते हैं. और वो वेपर्स जो है ऊपर उठते हैं. जैसे वो ऊपर जाते हैं, तो वो किससे टकराते हैं, विद द फनल, इन्वर्टेड फनल. और इन्वर्टेड फनल को टकरा के दे विल कूल डाउन, एंड आफ्टर गेटिंग कूल डाउन दे सॉलिडिफाइज. जैसे वो कूल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, और वो फनल के आजू बाजू में चिपक जाते हैं. यू कैन सी इन द फिगर स्टूडेंट्स कि जो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है, इट इज़ स्टिकिंग विद द साइड्स ऑफ द इन्वर्टेड फनल. ओके, तो जैसे बहुत देर बाद क्या होगा, पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड जो है ऊपर आएगा और फनल के आजू बाजू चिपक जाएगा, और नीचे खाली क्या रह जाएगा, सॉल्ट. सॉल्ट डजंट गेट्स वेपोराइज्ड बाय द हीट. ओके, तो सॉल्ट रहेगा कंटेनर में, एंड अमोनियम क्लोराइड विल बी स्टिक्ड एट द सर्फेस ऑफ द इनर सर्फेस ऑफ द फनल. सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द मिक्सचर बाई सब्लिमेशन मेथड.
आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मेथड. स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी की तरह या एक्सपेरिमेंट की तरह भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. तो इसमें आपको एम क्या लिखने का, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट. वॉट आर द अपैरेटस यूज्ड, द अपैरेटस आर बर्नर, चाइना डिश, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट, इन्वर्टेड फनल एंड कॉटन. ओके देन मेथड, मेथड पूरा लिखने का, टेक अ चाइना डिश, टेक द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट इन इट, हीट द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर, ओके कीप इन्वर्टेड फनल ऑन इट, क्लोज इट विद द हेल्प ऑफ कॉटन. व्हेन द मिक्सचर गेट्स हीटेड, अमोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू, अभी ऑब्जर्वेशन अभी, व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड द अमोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म्स. व्हेन इट स्ट्राइक विद द इन्वर्टेड फनल इट सॉलिडिफाइज एंड स्टिक्स विद द साइड ऑफ द फनल. ओके एंड देन कंक्लूजन, इन दिस वे वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाई द सब्लिमेशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स ऐसे सारी एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट फॉर्म में भी आ सकती है, पूछ सकते, यू शुड नो हाउ टू राइट. ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज क्रोमेटोग्राफी. ओके क्रोमेटोग्राफी मेथड इज यूज टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड. जैसे कोई भी एक कलर्ड लिक्विड है, ठीक है ना, कोई भी एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे कलर्स मिक्सड है, तो उसके एक एक कलर को आपको सेपरेट करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी. एक्चुअली द वर्ड क्रोमेटोग्राफी, इन दैट वर्ड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा, क्रोमा मीन्स वॉट इन ग्रीक लैंग्वेज, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर. क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड आया ना वो क्रोमा में से आया है, KROMA. ये अपने टेक्स्ट बुक में है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 21 ऑन द टॉप, सेकेंड साइड के टॉप में, पेज नंबर 21 में. Chroma in Greek means color. So this technique, this chromatographic technique was first used for the separation of colors. Okay students, chromatography jo technique hai wo kiske liye use kiya gaya tha, for the separation of the components of colors. So this name was given. Now chromatography is the technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. Agar alag alag solutes ek hi solvent mein dissolved hai, मतलब अलग अलग कलर्स एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व्ड है, तो उसको हम सेपरेट कैसे करें, तो वो हम लोग ये क्रोमेटोग्राफी से, टेक्निक से सेपरेट करते हैं. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड. ओके सो दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड इन न्यू टेक्निक्स ऑल्सो. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम अलग अलग कलर्स जो है इंक के भी हम अलग अलग कलर्स निकाल सकते हैं बाय दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. ओके स्टूडेंट्स एक इंक के अंदर से हम लोग दो तीन कलर्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. हमको इसके अंदर इसका कोई डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं करने का है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी, उसका डेफिनेशन बस उतना ही आपको लर्न करना है. बट देर आर सम एप्लीकेशंस गिवन स्टूडेंट्स, देर आर सम एप्लीकेशंस गिवन ऑन पेज नंबर 21 सेकेंड साइड में. क्रोमेटोग्राफी का जो शॉर्ट नोट है उसके नीचे उसके तीन एप्लीकेशंस दिए, तीन यूजर्स, वो हमको करने. वॉट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जो चीज़ पिक यहाँ पे वीडियो में नहीं दिखता है उसके बारे में मैं टेक्स्ट बुक में बताता हूँ, दैट इट इज़ गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर सो एंड सो. तो आपको वहाँ पर उसको हाईलाइट कर लेने का. द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, फर्स्ट इज टू सेपरेट द कलर्स इन अ डाई. अगर डाई मतलब इट्स अ मिक्सचर, टू सेपरेट द कलर्स फ्रॉम दैट मिक्सचर. देन सेकेंड, टू सेपरेट द पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स. स्टूडेंट्स वी नो दैट वी गेट नेचुरल कलर्स फ्रॉम द नेचर, जैसे फ्लावर्स में से हमको नेचुरल कलर्स मिलते हैं, अलग अलग फ्रूट्स में से हमको कलर्स मिलते हैं, तो उसके अंदर के जो पिगमेंट्स है वो भी सेपरेट करने का. पिगमेंट्स आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ कलर्स, उसको भी सेपरेट करने के लिए हम लोग ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वॉट, फॉर द ड्रग्स फ्रॉम, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड. समटाइम्स देर आर सम ड्रग्स मिक्सड इन द ब्लड, ड्रग्स जो है ब्लड में अगर मिक्स हो जाते हैं तो ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ किया जाता है. सो दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लर्न दोस एप्लीकेशंस, इट इज़ ऑन पेज नंबर 21 सेकेंड साइड में टॉप में दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स बाय दिस वी एंड आवर टुडे सेशन. स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने बहुत कुछ नई नई चीज़ें देखी है. We discussed regarding the concentration of a solution. What do you mean by concentration of solution? और उसके अलग अलग methods हमने देखे. Okay, we have discussed the numerical also, an example from the textbook. Then very important, we discussed regarding the various methods of what? Separating the components of a mixture. In which we discussed the evaporation method, then centrifugation method, then
this decantation method by separating funnel, then sublimation method, then chromatography method. अभी तक हमने इतने मेथड्स किए हैं. स्टिल देर आर मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सम मोर टॉपिक्स आर देर. इट्स अ लेंथी चैप्टर, मेनी टॉपिक्स आर देर इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, जिस दिन जो वीडियो आ रहा है उसी दिन प्रिपेयर करना ये चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.